बिहार में श्मशान और कब्रिस्तान का मुद्दा फिर से उठने लगा है। विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने श्मशान के घेराव को लेकर के सरकार से सवाल पूछा और कहा कि जिस तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है उसी तरीके से सरकार मठ मंदिर और श्मशान घाट की घेराबंदी कराए। इस पर आरजेडी के विधायक हैं निहालुद्दीन, उन्होंने भी जवाब दिया और बचौल ने भी अपनी बातें रखी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों विधायक। सरकार की जो ने कहा है कि हम घेराबंदी इसका भी कराएंगे, इसकी वजह यह है कि पहले से भी श्मशान घाट की घेराबंदी होती थी, मगर हुआ कि तमाम जितना भी है श्मशान घाट है या फिर मंदिर की घेराबंदी है उसका भी घेराबंदी, चार दीवारी है उसको घेराबंदी कराया गया। तमाम लोगों ने कहा कि इसमें हम लोग को कोई इतराज नहीं है, सरकार नीति बनाए और घेराबंदी कराए। जिस तरह से प्राथमिकता सूची कब्रिस्तान का बनाया गया है, इसकी भी सूची बनाए कि कौन सेंसिटिव है कौन मोन सेंसिटिव है, उसका भी हुआ है। बीजेपी को तो चूंकि इसी पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी तो इसी पर राजनीति कर रहे हैं ना भाई, कोई दूसरा तो है नहीं। मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान पाकिस्तान यही तो है इनका, कोई दूसरा तो है नहीं। किसी को कोई एतराज नहीं है मंदिर की भी घेराबंदी हो और श्मशान की घेराबंदी हो, सरकार नीति बनाए। श्मशान बनेगा ऐसा चूंकि माननीय अध्यक्ष जी के बीच में ये मुद्दा चला गया है, उनके विचारणियों में है, हो जाएगा। क्या डिमांड आप लोग किए हैं? श्मशान और पुराने मंदिर के भी घेराबंदी एमएलए लेड से हो। पहले ये होता रहा है क्या? पहले हुआ था, 5 से 10 तक हुआ है, फिर बीच में बंद हो गया था। बंद हो गया था। क्या आपने उठाया कि श्मशान? हाँ होगा, श्मशान का तो सरकार कराती है, श्मशान भी खराब है और सरकार इस पर सकारात्मक दी है जवाब। तो सुना आपने बीजेपी और आरजेडी के विधायक को। एक तरफ आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं सभी कोई घेराबंदी सरकार कराए, और इसका एक तरफ बचौल ने कहा कि मंदिर और मठ की और उसके बाद जो श्मशान घाट है उसकी घेराबंदी की जाए। एक तरह से इसमें राजनीतिक भी दिखाई जाती है, क्योंकि बचौल अपने बयान को लेकर के जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से 2010 तक लगातार घेराबंदी कब्रिस्तान की होती रही है लेकिन श्मशान घाट की नहीं हो रही है। इस पर अब उनको उम्मीद है कि पूरी तरीके से अब यह सरकार जांच पड़ताल करेगी और कहां श्मशान घाट की और मठ और मंदिर की घेराबंदी नहीं हुई है वहां पर यह काम अब तेज़ी से किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।